पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। छोड़िए ना, और कोई बात है इनका, इनके बात का कोई मतलब है? कोई ये लोग कोई काम के बारे में बात किया है? लालू जी या हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देता जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनका हो, कोई एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए। जो दुरुपयोग जो किया जाता है उसको बंद करने की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर एक बार फिर से जोरदार निशाना साधा है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए थे कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम होने के बावजूद भाजपा के आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। इस पर तेजस्वी यादव कहने लगे, छोड़िए उनकी बातें, उनके बातों का कोई मतलब है ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम होने के बाद क्या काम किया है आप जरा उनसे पूछिएगा। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने ईडी सीबीआई खत्म करने की बात कही थी, इस पर तेजस्वी यादव कैसे बचाव कर रहे हैं अखिलेश सिंह का, आप ये भी सुने। चौधरी ने कहा है कि बीजेपी है वो गरीबों की है, लेकिन बीजेपी के पास 20-25% तक वोट है और केवल वो राजनीतिक पार्टी और किसी को लाभ नहीं बढ़ने आए हैं। छोड़िए ना, और कोई बात है इनका, इनके बात का कोई मतलब है? कोई ये लोग कोई काम के बारे में बात किया है? लालू जी या हम लोगों को या हमारी पार्टी को गाली देने के अलावा एक उपलब्धि बता देता जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनका हो, कोई एक काम गिना दीजिए आप, या जरूर आएंगे तो पूछिएगा कि क्या काम किए। जो दुरुपयोग जो किया जाता है उसको बंद करने की जरूरत है। तानाशाही जो हाईजैक कर लेता है, संस्था को जो बर्बाद करता है, ये नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में कहा है कि इस साल के अंत तक 3 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार देंगे। हम इन लोग का ना प्रक्रिया धीरे है, जो करके है वही 3 लाख ना बोल रहे। आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक और अखिलेश सिंह का बचाव करते नजर आए, कहने लगे कि उनका कहने का मतलब खत्म करना नहीं है, उनके कहने का मतलब है कि सब कुछ फेयर होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियां दिलाने का जो बात वादा किया है उसको लेकर तेजस्वी यादव कहने लगे कि जो काम हम करते थे उसी काम को ये दोहराने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, कहने लगे उनके बात का कोई मतलब नहीं है, डिप्टी सीएम बनने के बाद इन्होंने क्या किया है, जब ये चुनाव हार जाएंगे तब इनसे जरूर पूछिएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तमाम मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।